चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने सोमवार को विश्व हृदय दिवस मनाया, जिसमें जनमानस को हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, मधुमेह समेत अन्य गैर संचारी रोगों के बारे में जागरूक किया गया। इस क्रम में शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दुर्गाकुंड पर NCD स्क्रीनिंग कैंप का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संदीप चौधरी ने किया। शिविर में 100 से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग की गई। इसमें उच्च रक्तचाप, शुगर समेत ECG की भी जांच की गई। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी ब्लड प्रेशर, शुगर, ECG जांच कराई। CMO डॉक्टर संदीप चौधरी ने समस्त लोगों को जागरूक किया, कहा कि 30 साल से ऊपर के सभी लोगों को ब्लड प्रेशर, शुगर आदि की जांच नियमित रूप से कराते रहना चाहिए। वर्तमान वातावरण और जीवन शैली से लोगों की सेहत पर असर पड़ रहा है, इसके लिए प्रतिदिन सुबह योगा और व्यायाम भी करना चाहिए, जिससे हृदय, ब्लड प्रेशर, शुगर की समस्या से स्वस्थ रहे। उन्होंने बताया कि जन जागरूकता के उद्देश्य से हर साल 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। इस दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने शहरी CHC दुर्गाकुंड का निरीक्षण किया, ऑपरेशन थिएटर, लैब, ड्रग स्टोरेज समेत अन्य सेवाओं की जानकारी ली। इस मौके पर ACMO व अधीक्षक डॉक्टर निकुंज कुमार वर्मा, डिप्टी CMO डॉक्टर पीयूष राय, NCD के नोडल अधिकारी डॉक्टर यतीश भुवन पाठक, MO डॉक्टर प्रवीण, NTPC के डॉक्टर सौरभ प्रताप सिंह, WHO के NCD कंसल्टेंट डॉक्टर योगेश यादव समेत अन्य चिकित्सा अधिकारी व स्वास्थ्य कर्मी मौजूद रहे।